बीच बड़ी खबर आपको मुंगेली से बता दें, जो कि जुड़ी हुई है आईएएस रोहित व्यास को सैंडल दिखाने के मामले से। महिला जिला पंचायत सदस्य और उनके पति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लैला ननकू भिखारी और उनके पति ननकू भिखारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला पंचायत सीईओ ने जहरगांव थाने में शिकायत की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंगेली से बता रहे हैं, आईएएस को सैंडल दिखाना भारी पड़ा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिला पंचायत सदस्य और उनके पति के खिलाफ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी इंद्रा से। इंद्रा, जानकारी दीजिए, ताजा अपडेट क्या है? जी बता दें कि जिस प्रकार से परसों की घटना थी, जिला पंचायत सदस्य ने आईएएस रोहित व्यास को सैंडल से मारने का प्रयास किया था, जिसके बाद से ये वीडियो भी वायरल हुआ था और पूरा प्रशासन जो है सख्त में आ गया था। और उसके बाद कल ही राजपुरी अधिकारी और कर्मचारी भी हड़ताल करके अपनी मंशा जता दिए थे कि यदि दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो सोमवार से काम बंद कर दिया जाएगा। और सीओ रोहित व्यास ने भी अपने चेंबर की जो फुटेज है और वहां पे जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ था और उनके साथ जो अभद्रता हुई थी, उस सारे सबूतों को लेकर जहरगांव थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर अधिकारी नियुक्त किया गया था। और उन अधिकारियों ने सारे पहलुओं को देखा और जांच किया और जांच करने के बाद पाया कि इनमें दोषी यही लोग हैं, यही जिला पंचायत की सदस्य हैं। और कुल मिला के आज इनके ऊपर और इनके पति के ऊपर, दोनों के ऊपर अपराध कायम कर लिया गया है। और उसके बाद कलेक्टर आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।